अब हम बात करेंगे संस्कार के बारे में। जब मन को हम यूज करते हैं तो सोचते हैं, और जब हम बुद्धि को यूज करते हैं, माना समझकर उसे एनालिसिस करके उस पर निर्णय लेते हैं, और जब सोचने के बाद समझने के बाद उस बात को हम कर्म में लाते हैं, तब हमारे मन पर इम्प्रेशंस रह जाते हैं। इन इम्प्रेशंस को कहते हैं संस्कार। तो अगर हम देखें, हमारे जो संस्कार हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। जब हम छोटे बच्चे को देखते हैं, उस छोटे बच्चे की मासूमियत, उसकी पवित्रता, उसकी मुस्कुराहट हर किसी का मन आकर्षित कर लेती है। छोटे बच्चे हम सभी को बहुत लुभावने लगते हैं। तो ऐसा क्या होता है उन बच्चों में जो सभी को आकर्षित कर लेते हैं? कहते हैं ना, बच्चा किसी का भी हो पर हमें बहुत खूबसूरत लगता है, जानवर का भी बच्चा उतना ही खूबसूरत लगता है। तो वह इसलिए क्योंकि जन्मतः हम में कुछ ओरिजिनल संस्कार होते हैं, जैसे शांति के संस्कार, खुशी के संस्कार, आनंद के संस्कार, पवित्रता के संस्कार। और ये जो संस्कार है जो हमें जन्मतः प्राप्त होते हैं, इन्हें कहा जाता है ओरिजिनल संस्कार। इसीलिए कहते हैं शायद सिस्टर तृप्ति की, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चों में ईश्वर नजर आता है, इसीलिए बचपन में उनको उनकी पूजा भी करते हैं क्योंकि उनको ईश्वर समान मानते हैं। इसीलिए क्योंकि उनके संस्कार तब उत्तम होते हैं, ओरिजिनल होते हैं। बिल्कुल। और इसी प्रकार एक और तरह का हमारा संस्कार होता है हेरिडिटरी संस्कार या फिर खानदानी संस्कार। तो हम कभी कभी देखते हैं बच्चे माता पिता को रिजेंबल करते हैं, बच्चों में माता पिता के जीन्स आते हैं। माता पिता ही नहीं, दादा दादी, नाना नानी, मामा चाचा, कभी कभी अपने एक्सटेंडेड फैमिली के भी उनमें गुण नज़र आते हैं, और ये गुण उनमें आते हैं अपने जीन्स के द्वारा, हेरिडिटी के द्वारा। तो कभी हम देखते हैं पिता जैसा दिखता है, बच्चे की शक्ल उस समान होती है, या फिर बेटी जैसी दिखती है माता को रिजेंबल करती है। तो सिस्टर तृप्ति, इसीलिए शायद कहते हैं जेनेटिक चीज़ें असर करती हैं। जैसे माँ बाप बुद्धिमान है तो बच्चा बुद्धिमान निकलेगा, और हम अक्सर कहते हैं ना कि माँ बाप पर गया है, ये संस्कार उसको माता पिता से आए हैं, तो ये जेनेटिक संस्कृति हुई। बिल्कुल। और इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि माता पिता कभी सिखाते कुछ और हैं, और बच्चा एनवायरनमेंट की इन्फ्लुएंस में आके सीख कुछ और जाता है, मना किसी और प्रकार का संस्कार वहाँ काम कर रहा है। वह कौन सा संस्कार है? वह है एनवायरनमेंट रिलेटेड संस्कार, अक्वायर्ड संस्कार। पीयर इन्फ्लुएंस में आने से संस्कार जेनरेट होते हैं, डेवलप होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वातावरण में जब हम जितना इंटरैक्ट करते हैं तो वातावरण हमारे संस्कारों पर छाप छोड़ जाता है, हमारे संस्कारों को परिवर्तित करने लगता है।